Hello students, today we are going to start our new topic drift velocity. आज हम पढ़ेंगे drift velocity के बारे में और mechanism of electric current, यानी how does electric current flow through a wire, इसके बारे में पढ़ेंगे हम. ये depend करता है drift velocity पर. तो drift velocity क्या है, इसको समझने के लिए let us consider, हमने consider कर लिया ये एक वायर है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टर है. थोड़ा हमने इसको ठीक बनाया है दिखाने के लिए. ये इलेक्ट्रिकल कंडक्टर है तो इसमें 3 इलेक्ट्रॉन्स हुआ करते हैं. एज वी ऑल नो, यहाँ पर कुछ 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं हमारे. जब ये वायर किसी सोर्स से कनेक्टेड नहीं है, जब वायर किसी भी सोर्स से, बैटरी वगैरह से कनेक्ट नहीं है, तो ये इसके इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ये रैंडमली हर एक डायरेक्शन में मूव करने के लिए फ्री होते हैं. तो इलेक्ट्रॉन किसी भी डायरेक्शन में मूव करते हैं, रैंडम मोशन में रहते हैं ये हमेशा. और इस रैंडम मोशन को हम कहते हैं, या इसकी वेलोसिटी कहते हैं थर्मल वेलोसिटी या थर्मल स्पीड, जो बहुत ही कम हुआ करती है, लो हुआ करती है, स्लो हुआ करते हैं. तो रैंडमली चारों तरफ मूव करते रहते हैं जब ये कंडक्टर को हमने किसी सोर्स से कनेक्ट नहीं किया गया है और किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में. अब ये जो पार्टिकल्स हैं, इसके इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये एक हर एक डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं. तो ये कंसीडर कर लिया जाता है कि जितने इलेक्ट्रॉन 1 सेकंड में 2 सेकंड में या सेम टाइम के लिए इधर मूव करेंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन इधर मूव करेंगे, जितने इधर मूव करेंगे उतने ही इधर मूव करेंगे. तो किसी भी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जो एवरेज थर्मल वेलोसिटी लिया जाता है वो 0 लिया जाता है. एवरेज थर्मल वेलोसिटी इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन इज ऑलवेज टेकन 0. क्योंकि अगर मैं कहूं कि मुझे इस डायरेक्शन में लेने हैं तो इस डायरेक्शन में क्या करेंगे, जितने इलेक्ट्रॉन इधर मूव करेंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे. तो जितनी इसकी नेगेटिव स्पीड होगी उतनी ही इसकी पॉजिटिव स्पीड होगी. और जब मैं इनका मीन निकालूंगा किसी एक डायरेक्शन के लिए, किसी एक भी डायरेक्शन में, एक्स एक्सिस के अलोंग या वाई एक्सिस के अलोंग, तो वो मीन जो आएगा थर्मल वेलोसिटी का वो क्या आता है, 0 आया करता है. तो जब वायर किसी भी सोर्स से कनेक्ट नहीं हुआ करता, बैटरी वगैरह से, तब उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं रैंडमली हर एक डायरेक्शन में, उसको हम कहा करते हैं थर्मल वेलोसिटी. अब अगर मैंने इस कंडक्टर को किसी सोर्स से कनेक्ट कर दिया, अब यही कंडक्टर हमारा किसी सोर्स से कनेक्ट कर दिया जाता है, कंडक्टर को हमने एक बैटरी से कनेक्ट किया, तो जैसे ही हम इस कंडक्टर को किसी बैटरी से कनेक्ट करते हैं तो इसमें मौजूद जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये नेगेटिव टर्मिनल से क्या किए जाते हैं, पुश किए जाते हैं और ये एक सिस्टमेटिक मैनर में, यानी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में फ्लो करने लगते हैं, जिनकी डायरेक्शन ये रहती है. और जिस डायरेक्शन में ये फ्लो करने लगते हैं आफ्टर कनेक्टिंग अ सोर्स, तो जैसे ही मैं इस कंडक्टर को किसी बैटरी से कनेक्ट करता हूं तो ये नेगेटिव एंड, यानी कि यहां पर जो नेगेटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज को क्या करता है, आगे की तरफ रिपेल करता है. ये इसको रिपेल करेगा, ये इसको रिपेल करेगा, तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन, जितने भी इलेक्ट्रॉन इसमें मौजूद हैं, वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करने लगेंगे, बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देंगे. तो इस स्पीड को, जिस स्पीड से इलेक्ट्रॉन एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल पर मूव करते हैं या ड्रिफ्ट करते हैं, इस स्पीड को हम कहते हैं ड्रिफ्ट स्पीड या ड्रिफ्ट वेलोसिटी. और ये सभी इलेक्ट्रॉन की एवरेज स्पीड के बराबर हुआ करती है, यानी कि जब इलेक्ट्रॉन किसी सोर्स से कनेक्टेड नहीं है उस वक्त किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन्स की जो स्पीड है या उसका मीन है, उसे हम कहा करते हैं थर्मल वेलोसिटी. और जैसे ही हम इस वायर को या कंडक्टर को किसी सोर्स से कनेक्ट कर देते हैं और सोर्स से कनेक्ट करने के बाद जब ये इलेक्ट्रॉन एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल की तरफ या किसी एक डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट करते हैं, तो जिस स्पीड से मूव करते हैं उस स्पीड की एवरेज को हम क्या कहते हैं, थर्मल वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहा करते हैं, बिकॉज इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट फ्रॉम वन टर्मिनल टू अनदर टर्मिनल. तो वी कैन से दैट द वेलोसिटी विद विच इलेक्ट्रॉन्स ड्रिफ्ट फ्रॉम वन एंड ऑफ द वायर टू अनदर एंड आफ्टर कनेक्टिंग टू अ सोर्स इज कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी. अब यहां पर हमें क्या फाइंड करना है, हमें ड्रिफ्ट वेलोसिटी के लिए फॉर्मूला फाइंड करना है. हमें मैकेनिज्म और कंसेप्ट समझ में आ गया ड्रिफ्ट वेलोसिटी का, कि जब हम किसी कंडक्टर को किसी वायर से कनेक्ट कर देते हैं, सॉरी कंडक्टर को किसी सोर्स से, बैटरी से कनेक्ट कर दिया जाता है, तो
इस कनेक्शन के बाद वायर के एक एंड से दूसरे एंड तक इलेक्ट्रॉन जिस स्पीड से जिस वेलोसिटी से मूव करते हैं उस वेलोसिटी को हम वायर की ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहा करते हैं, इलेक्ट्रॉन की ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहा करते हैं। ये इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं हमारे। अब हमें फाइंड करना है इसका फॉर्मूला क्या होगा। तो ये वोल्टेज V है यहाँ पर इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो E होगा फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल की तरफ, ये इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो हमने यहाँ कंसीडर कर लिया लेट N बी द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम एंड E बी द इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द वायर। तो देयरफॉर फोर्स ऑन एन इलेक्ट्रॉन, किसी भी इलेक्ट्रॉन पर फोर्स कितना लगेगा, तो फोर्स लगेगा F इक्वल्स टू Q इंटू ई, बिकॉज ई इक्वल्स टू हुआ करता है F अपॉन Q या Q नॉट। तो यहां से किसी भी चार्ज पर फोर्स लगेगा E इंटू क्यू, और बिकॉज हमारे पास जो चार्ज है वो इलेक्ट्रॉन का चार्ज है तो इसे हम E इंटू ई ले सकते हैं, निगेटिव साइन लगा सकते हैं या नहीं भी लगा सकते हैं, डिपेंड करता है। तो यहां पर हम इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं सॉलिड कंडक्टर में तो हम यहां पर निगेटिव साइन को लेकर चल सकते हैं, लेकिन मैग्नीट्यूड जब शो करेंगे तो माइनस का साइन शो नहीं करेंगे। तो ये फोर्स आ गया किसी भी इलेक्ट्रॉन पर जो इसमें मूव करेगा, जैसे ही कनेक्ट किया जाएगा तो इलेक्ट्रॉन पर जो फोर्स लगेगा दोनों चार्ज के बीच में वो फोर्स आ गया E इंटू ई। नाउ हमारे पास फोर्स का फॉर्मूला हुआ करता है F इक्वल टू एम इंटू ए, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो यहाँ पर हम ये m इंटू एक्सेलरेशन की वैल्यू लगाते हैं तो हमारे पास आया m इंटू ए इक्वल टू माइनस ई ई। तो देयरफॉर जो a आया माइनस ई ई अपॉन m, ये हमारे पास एक्सेलरेशन निकल कर आ गया कि जब इलेक्ट्रॉन मूव करेगा तो उस इलेक्ट्रॉन का एक्सेलरेशन क्या होगा। ये एक्सेलरेशन हमने किसकी टर्म में निकाला, इलेक्ट्रिक फील्ड की टर्म में। अब इसी एक्सेलरेशन को हम दूसरे फॉर्म में निकालेंगे, स्पीड की फॉर्म में। तो वो कैसे फाइंड करेंगे, सबसे पहले इतना आप सभी लोग नोट करेंगे, इसके आगे देखते हैं हम। ये इलेक्ट्रॉन का एक्सेलरेशन हमने फाइंड कर लिया। अब हमने फाइंड किया लेट वी वन वी टू वी थ्री बी द वेलोसिटीज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटीज हैं, बिफोर कनेक्टिंग टू अ सोर्स एंड यू वन यू टू एंड यू थ्री सॉरी यू वन यू टू एंड यू थ्री एंड वी वन वी टू वी थ्री बी द वेलोसिटी आफ्टर कनेक्टिंग टू द सोर्स से कनेक्ट करने के बाद स्पीड V1, V2, V3 एंड सो ऑन, बहुत सारे ले जाएंगे एंड तक ले लेंगे U1, U2, U3, मतलब इनिशियल स्पीड और फाइनल स्पीड। जब इसको हमने कनेक्ट नहीं किया था किसी सोर्स से तो उस स्पीड को हमने क्या माना, इनिशियल स्पीड जो इसकी थर्मल स्पीड थी, रैंडमली किसी भी डायरेक्शन में मूव कर रहे थे, और जैसे ही इस वायर को हमने किसी सोर्स से कनेक्ट कर दिया तो सोर्स से कनेक्ट करने के बाद जो इलेक्ट्रॉन की स्पीड थी उस स्पीड को हमने V1, V2, V3 एंड सो ऑन फॉर एन इलेक्ट्रॉन फाइनल स्पीड हमने मान लिया। तो हमारे पास रिलेशन होता है लेट ए बी द एक्सेलरेशन तो देयरफॉर वी हैव वी वन इक्वल्स टू यू वन प्लस ए टाउ वन, दिस इज टाइम।
टावन, यानी टाव मीन्स यहाँ रिप्रेजेंट किया हमने टाव को, टाव रिप्रेजेंट टाइम ऑफ रिलैक्सेशन, क्या कहलाता है टाइम ऑफ रिलैक्सेशन विच इज द टाइम इंटरवल बिटवीन टू सक्सेसिव कॉलिजन। अगर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ टकराया फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ टकराएगा तो दो सक्सेसिव कॉलिजन के बीच का जो टाइम गैप होगा उसको हम कहेंगे, जो टाइम इंटरवल होगा उसे हम कहते हैं टाइम ऑफ रिलैक्सेशन। तो इसको टाव से रिप्रेजेंट करते हैं, सिंबल का नाम क्या है टाव है, आप लोग पहले भी जान चुके हैं इसके बारे में, लेकिन यहाँ पर ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पर ये टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है विच इज कॉल्ड टाइम ऑफ रिलैक्सेशन, द टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कॉलिजन्स बिटवीन इलेक्ट्रॉन्स। तो v इक्वल टू यू प्लस ए टी फॉर्मूला हुआ करता है हमारे पास, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हुआ करती है v इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो पहले इलेक्ट्रॉन के लिए हमने v1 इक्वल टू यू वन प्लस ए टाउ वन, सिमिलरली वी हैव v2 इक्वल टू यू टू प्लस ए टाउ टू एंड सो ऑन कर देंगे, vn इक्वल टू यू एन प्लस ए टाउ एन, बहुत सारे n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए हमने ये कंसिडर कर लिया। सो वी हैव द मीन ऑफ दीज वेलोसिटीज, ये जो वेलोसिटीज हैं वी वन वी टू वी थ्री और सो ऑन वी एन, ये वेलोसिटी कौन सी हैं, ये वो वेलोसिटी हैं जो इलेक्ट्रॉन को हमने सोर्स से कनेक्ट कर दिया था, वायर को सोर्स से कनेक्ट कर दिया था। सोर्स से कनेक्ट करने के बाद जिस स्पीड से इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा था एक एंड से दूसरे एंड तक, उस स्पीड को हमने कहा था वी वन वी टू कंसिडर किया था, और यही स्पीड क्या कहलाती है इलेक्ट्रॉन की, ड्रिफ्ट स्पीड कहलाती है। तो मैं अगर ओवरऑल ड्रिफ्ट स्पीड निकालना हो तो मैं क्या निकाल दूं, इसका एवरेज निकाल सकता हूं। तो देयरफॉर ड्रिफ्ट वेलोसिटी वी डी से रिप्रेजेंट कर देते हैं इसको, कैन बी रिटेन वी वन प्लस वी टू प्लस वी थ्री एंड सो ऑन वी एन डिवाइडेड बाई एन। ये एवरेज निकालने का फॉर्मूला होता है, मीन का फॉर्मूला सभी को मालूम होता है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन गिव्स द मीन। तो ये मीन हो गया, यहाँ पर ये क्या हो गया, मीन हो गया। मीन क्या होता है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो इसके हम फॉर्मूले से हम मीन निकाल लेते हैं। अब यहाँ पर हम v1, v2, v3 इन सभी की वैल्यूज को लगा देंगे, ये जो वैल्यूज हमारे पास v1, v2, v3 ये सारी वैल्यूज हमें क्या करनी है, ये सारी वैल्यूज हमें यहाँ पर यूज कर लेनी है। अभी यूज करते हैं, यहाँ तक सभी अच्छे से नोट कर लेंगे और समझ लेंगे क्या आगे हमें से वैल्यूज लगानी है। तो देखते हैं हम आगे, आप सभी स्टूडेंट्स बीच बीच में वीडियो को पॉज करके ये नोट करते जाएंगे साथ के साथ। देयरफॉर ड्रिफ्ट वेलोसिटी, अब ये v1 v2 v3 की वैल्यू हम यूज करें तो v1 u1 प्लस a tau1 प्लस u2 प्लस a tau2 u3 प्लस a tau3 एंड सो ऑन un प्लस a tau n डिवाइडेड बाई n, ये n से डिवाइड हो गया हमारा। इसके आगे हम v की टर्म, u के टर्म को और a के टर्म को अलग कर लेते हैं। यहां से हमने u1 प्लस u2 प्लस u3 un, बाकी सब में से यहां पर a a a कॉमन ले लिया मैंने, जब a कॉमन लिया तो tau1 tau2 tau3 and tau n divided by n, again मैंने इसको सेपरेटली डिवाइड किया n से, u1 u2 u3 and un divided by n plus a tau1 tau2 tau3 tau n divided by n। इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं u1 प्लस u2 प्लस u3 प्लस un, इसको हम क्या कहा करते हैं, इसको हम कहा करते हैं एवरेज थर्मल वेलोसिटी। और हमने ये बताया कि किसी भी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जो एवरेज थर्मल वेलोसिटी हुआ करती है वो जीरो हुआ करती है। तो ये वाला टर्म हो जाएगा हमारा जीरो प्लस a tau, ये tau हमने क्या मान लिया, ये tau है एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। ये जो टोटल
था, इसका एवरेज को हमने क्या माना, टाउ माना ये। अब यहाँ पर हमारे पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला ए टाउ आ गया, इस ए की यानी जो ए है हमारे पास एक्सेलरेशन की वैल्यू हम इक्वेशन फर्स्ट से यहाँ लगा देंगे, पुट द वैल्यू ऑफ ए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। तो अब इक्वेशन फर्स्ट से हम क्या करेंगे, ए की वैल्यू यहां रख देते हैं, इसको देखेंगे हम ऊपर से, अब मिटा देते हैं, तो इसको हमने यूज किया वी डी इक्वल्स टू ए की वैल्यू थी माइनस ई अपॉन एम इंटू टा। दिस इज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ कंडक्टर। तो किसी भी कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स इस स्पीड से मूव करते हैं और इस स्पीड को हम कहा करते हैं ड्रिफ्ट स्पीड या ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ये मैकेनिज्म है कि किस तरह से इलेक्ट्रिक करंट किसी वायर में फ्लो करता है। तो जिस स्पीड से इलेक्ट्रिक करंट या इलेक्ट्रॉन्स वायर में फ्लो करते हैं उस स्पीड को हम कहा करते हैं ड्रिफ्ट स्पीड।